योजनाओं को बिना किसी भेदभाव के पात्रों तक पहुंचाना मेरी प्राथमिकता होगी। संतोष यादव, पिपराइज नगर पंचायत के वार्ड संख्या 5 मोटेश्वरनाथ नगर से सभासद पद के चुनाव की तैयारी में लगे संतोष यादव ने सर्वदर्पण न्यूज से विशेष बातचीत में कहा कि यह क्षेत्र पहली बार नगर पंचायत के अंतर्गत आया है। इससे पहले मैं प्रधानी चुनाव लड़ चुका हूं। उन्होंने बताया कि बनकटी बुजुर्ग से गोरखपुर मेन रोड तक खेतों में भारी जल जमाव के कारण किसानों की फसल डूब जाने से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। यदि जनता ने अवसर दिया तो इस जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान कराते हुए क्षेत्र के अधिकतर क्षतिग्रस्त हो चुके चक्रोड़ को सुधार कराते हुए क्षेत्र में शुद्ध जल व नियमित रूप से सफाई, सड़क, नालियों का विकास कराते हुए सभी योजनाओं को बिना किसी भेदभाव के पात्रों तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करूंगा। आपका शुभ नाम? जी, मेरा शुभ नाम संतोष यादव है सर। आप किस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? सर, मोटेश्वर नगर वार्ड नंबर 5 से हमारा चुनाव चल रहा है सर। कितने वोटर हैं सर? तकरीबन 2300 या 2500 वोटर हैं सर इस वार्ड में। आपका राजनीतिक सफर कब से शुरू हुआ? सर, हमारा राजनीतिक सफर 2017 से लगभग शुरू हुआ है। इससे पहले भी कोई चुनाव लड़े या नहीं? पहला चुनाव ये, इसके पहले हम प्रधानी का एक बार चुनाव लड़े थे सर। यही क्षेत्र था? जी, यही ग्राम था हमारा ताजीपुरा, बनकटिया बुजुर्ग सम्मिलित था उसमें। नगर पंचायत में जब से ये जुड़ा है ग्राम सभा ताजीपुरा, तो इसको खदवा में जोड़ दिया गया है और दोनों ग्राम सभा हमारा वार्ड बना है। समस्याओं की बात की जाए क्षेत्र में, आपके हिसाब से कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिनको आप हल कराना चाहेंगे? सर, हमारा प्रथम समस्या तो यही होगा सर कि जो जल जमाव होता है हमारे ग्राम सभा, ये बनकटिया बुजुर्ग से लेकर ताजपिपरा का पूरा 500 एकड़ जो सर किसानों का फसल है वो डूब जाता है सर। उस फसल को बचाने हेतु कम से कम हम नाले का निर्माण कराने का प्रथम कार्य करेंगे। दूसरी समस्या सर हमारी ये है कि हमारे गांव का ट्रांसफार्मर सर बीच किसान के खेत में लगा हुआ है सर। उसको अगर जल जाता है सर तो उसको निकालने में और लगाने में उन लोगों का सर फसल बहुत नुकसान होता है, तो उसको हम उचित जगह देख करके लगवाने का कार्य करेंगे। उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे उन लोगों से। सड़क, नाली, पानी, बिजली की क्या स्थिति है क्षेत्र में? सर, बिजली की समस्या तो कोई नहीं है, दिक्कत नहीं है, सही है, बिजली की समस्या नहीं है। सफाई की? सफाई की समस्या भी नहीं है, कार्यालय के लोग आते हैं। सड़क नाली कैसी है? हमारे गाँव में सर नाली तो सही है सर, लेकिन सड़क और रोड चक्रोड का समस्या कुछ है सर। उसके बारे में भी हम उच्च अधिकारियों से बात करके उसके भी समस्या का हल कराने का उचित कार्य करेंगे। क्या क्षेत्र में आपके हिसाब से सभी पात्रों को आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिल चुका है? नहीं सर, उचित जो भी लोग हैं अभी उस हिसाब से, क्योंकि हम हर वर्ग के लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हर किसी के लिए सर। जब से हमने होश संवारा है, किसी के रात हो या दिन हो, अपने गांव के या दूसरे गांव के जहां के भी लोग हैं, अगर हमको पता चलता है तो सबके लिए सर अपने शरीर से खड़े रहते हैं, और किसी की कोई समस्या हो तो उसके लिए रात हो या दिन हो दौड़ के जाते हैं सर। तो जो अपात्र हैं और वंचित हैं उनके लिए क्या प्रयास होगा? सर, जो अपात्र हैं वंचित हैं उसके लिए सर उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, उस समस्या का हल कराने की कोशिश करेंगे सर। दौड़ के भाग के जाएंगे, जो भी समस्या उसको निपटारण करेंगे कि सबको उचित, गरीब हो अमीर हो, सबको एक समान दिया जाए। ठीक।